मॉर्निंग 12th स्टैंडर्ड। आज हम रिटायरमेंट में इलस्ट्रेशन 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज हम आ जाएंगे इलस्ट्रेशन 3। वही लॉजिक है, सेम एग्जांपल है। पढ़ रहा हूं मैं, विजय लक्ष्मी एंड सिद्धि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2। ये तीन पार्टनर है, विजय, लक्ष्मी और सिद्धि। इनका जो रेशो दिया हुआ है वो कौन सा है? 5:3:2। सिद्धि रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2016। टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विजय और लक्ष्मी का 2:3 है। हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, हमारे पास न्यू रेशो भी है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा गेनिंग रेशो, क्योंकि गुडविल की जहां जहां बात आएगी वहां गेनिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इनके नाम लिख लेता हूं। देखो, ये विजय, लक्ष्मी, सिद्धि। इनका ओल्ड रेशियो क्या दिखाया गया है? 5:3:2, मतलब टोटल 10, राइट? ये इनका ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो देखे तो न्यू रेशियो दिया है विजय और लक्ष्मी का 2:3। विजय और लक्ष्मी का 2:3, मतलब टोटल पार्ट अगर हम देखे 5, क्योंकि सिद्धि तो क्या हो गए? रिटायर हो गए। आगे बढ़ते हैं, लिखा क्या है? गेनिंग रेशियो में कैसे ढूंढ रहा हूं। देखो, सबसे पहले गेनिंग स्टेप, गेनिंग रेशियो कैसे ढूंढा जाता है? गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड की बात करें तो पहले पहले विजय पे आते हैं। विजय का देखो न्यू क्या है? 2/5। माइनस ओल्ड क्या था? 5/10। 2/5 माइनस 5/10। बेस सेम करूं तो यहां पर आपका जो बेस सेम होगा वो हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया बेस सेम करने के लिए, तो 4/10 माइनस 5/10। तो इसका जो आंसर आ रहा है माइनस का 1/10 आ रहा है। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो माइनस में आ रहा है, ध्यान रखना, गेनिंग रेशो माइनस में आ रहा है। दैट मींस विजय ने सैक्रिफाइस किया है। विजय ने क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है। सेकंड नंबर पॉइंट कौन है? सेकंड नंबर विजय के बाद लक्ष्मी को देखे तो लक्ष्मी का देखो न्यू रेशो क्या था? यहां पर मैं छोटे में कर लेता हूं, लक्ष्मी का न्यू रेशो है 3/10, सॉरी 3/5। ओल्ड रेशो देखो लक्ष्मी का कितना था? ओल्ड रेशो लक्ष्मी का था 3/10, पहले था। नया नया रेशो जो है, न्यू रेशो है, वो है 3/5। ओल्ड रेशो जो था वो कितना था? 3/10। बेस सेम करें, यहां 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 6/10 माइनस 3/10। तो पूरा गेन 3/10 का जो हुआ है वो पूरे का पूरा किसको हुआ है? लक्ष्मी को हुआ है। किसको गेन हुआ है? लक्ष्मी को गेन हुआ है, और विजय को उल्टा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या लिखा है देखो। सबसे पहले गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड 60,000। ये सारी एडजस्टमेंट तो दी है, बट हम पहले क्या करते हैं, नीचे बैलेंस शीट में से एडजस्टमेंट रखते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा, बैलेंस शीट में दिखाया गया है लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया गया है लैंड एंड बिल्डिंग, और नीचे हम पढ़ेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैंने क्या किया, एज इट इज दिखा दिया। नो डाउट ये जो वर्किंग मैंने की आगे काम आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 1,30,000। तो मैंने एज इट इज लैंड एंड बिल्डिंग को, क्योंकि एडजस्टमेंट देख लो जो जो एडजस्टमेंट में है उस पर टिक कर लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं, टिक नहीं किया। सेकंड नंबर आपका दिखाया गया है मशीनरी। मशीनरी पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने उसको एज इट इज 70,000 दिखा दिया। ये मशीनरी एज इट इज कितना दिखा दिया? 70,000 मशीनरी का मैंने एज इट इज दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट 60,000, हालांकि इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट को मैं क्या कर रहा हूं, इनर कॉलम में रख रहा हूं, और दो लाइन छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट आपके दिखाए गए हैं 60,000। इन्वेस्टमेंट मैंने 60,000 दिखा दिया, तो इन्वेस्टमेंट मैंने दिखा दिया। उसके बाद अगर हम देखें स्टॉक, तो स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट दिखाई गई है, तो स्टॉक यहां पर कितना दिखाया गया है? 35। इन्वेस्टमेंट के बाद दो तीन लाइन का गैप छोड़ने के बाद मैंने स्टॉक दिखा दिया, स्टॉक दिखाया गया है 35,000। मैंने एज इट इज 35,000 इनर कॉलम में दिखाया। फिर जैसे ही एडजस्टमेंट पढ़ेंगे आगे पीछे एडजस्ट करेंगे।
इसके बाद डेटर्स है 23,000 रुपीज। डेटर्स आपके जो दिखाए गए हैं 23, उस पर भी एडजस्टमेंट है। मैंने डेटर्स को 23,000 फिलहाल एज इट इज दिखा दिया। नीचे बैड डेब्ट्स रिजर्व 4,000 का है, वो बाद में कंसीडर करेंगे। कैश 36,000, तो कैश का हमारे पास अकाउंट है, तो मैंने कैश को कैश अकाउंट में डाल दिया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश देखो कितनी है 36,000 की, तो ये 36,000 मैंने कैश एज इट इज दिखा दी। लायबिलिटी में देखें, सबसे पहला पड़ा है कैपिटल, विजय लक्ष्मी और सिद्धि तीनों की कैपिटल, तो कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी एज इट इज, तो यहां मैंने दिखा दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैपिटल देखो 85,000 है, 64,000 है, और नेक्स्ट दिखाई गई है 71,000 की। नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड जो है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, अब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, तो सामने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हुई है, उसमें हम एडजस्ट करेंगे, फिलहाल टिक कर लो। वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड, यहां पर वर्कर के कॉम्पनसेशन फंड के बारे में भी दिखाया गया है, तो इन दोनों चीजों को फिलहाल टिक कर लो। क्रेडिटर 56,000, लायबिलिटी पे मैं दिखा देता हूं, क्रेडिटर 56,000, लायबिलिटी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने उनको एज इट इज दिखा दिया, क्रेडिटर्स 56,000। नेक्स्ट देखें क्रेडिटर के बाद प्रोविडेंट फंड 42,000, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको भी मैंने प्रोविडेंट फंड एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज कितना अमाउंट है 42,000 का, 42,000 मैंने डायरेक्ट दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे हम एडजस्टमेंट पर। अब हम आ जाएंगे एडजस्टमेंट पर। पहली एडजस्टमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। अब उसकी तो वर्किंग मैंने कर ली, उसके वजह से मैंने क्या निकाल लिया, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहला पार्टनर विजय ने क्या किया हुआ है, विजय ने सैक्रिफाइस किया हुआ है। सेकंड पार्टनर लक्ष्मी को गेन हुआ है, वो हमने वर्किंग कर ली। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। अब देखो गुडविल 60,000 है। सबसे पहला काम जो रिटायर हो गया सिद्धि, वो कहेगी लाओ भाई मेरा गुडविल का शेयर मुझे दे दो। जो रिटायर हो रहा है उससे उसका शेयर देना पड़ेगा। तो सिद्धि का रेशियो क्या था, 5:3:2। जो सिद्धि का रेशियो था 2:10, अगर हम गुडविल की बात कर रहे हैं, मैं छोटी सी वर्किंग साइड में कर रहा हूं, आप कहीं भी फेयर में कर देना। 2:10 सिद्धि का शेयर है 2:10, और गुडविल की वैल्यू दिखाई गई है 60,000। 60,000 गुडविल की जो वैल्यू है, 60,000 में से अगर 2:10 देखे, तो सिद्धि जो रिटायर हो रही है उसे कितने पैसे मिलने चाहिए, 12,000 रुपए मिलने चाहिए। वैसे तो रूल है कौन देगा 12,000 रुपए, सिद्धि को 12,000 मिल जाएंगे, सिद्धि को 12,000 रुपए मिल जाएंगे, बट रूल है कौन देगा 12,000, जिसे गेन हुआ है। हमारे केस में आप देखोगे गेन हुआ है, विजय ने तो सेक्रीफाइस किया। सेकंड नंबर जो था लक्ष्मी को गेन हुआ है, लक्ष्मी को गेन हुआ है, तो ये जो 12,000 रुपए इससे मिलने वाले हैं सिद्धि को, वो कौन देगी, लक्ष्मी देगी। तो यहां मैं क्या लिखने वाला हूं, बाय लक्ष्मीज कैपिटल, और उतना ही पैसा लक्ष्मी को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और सामने लिखना पड़ेगा बाय विजय कैपिटल, कौन रिटायर हो रहा है, सॉरी सिद्धि, बाय सिद्धिज कैपिटल। इसकी मैं एंट्री भी आपको बता दू, सिद्धि को मिल रहा है, मतलब सिद्धि के क्रेडिट में दिखा दिया, तो एंट्री क्या आएगी, सिद्धि क्रेडिट होगी, डेबिट कौन होगा, गेन किसको हो रहा है, लक्ष्मी को। तो इसके एंट्री मन में सोचना, ऐसे तो सॉल्यूशन में दी गई है, लक्ष्मी कैपिटल अकाउंट डेबिट तो सिद्धि अकाउंट, लक्ष्मी की कैपिटल को मैंने क्या किया, डेबिट किया, और नाम आया सिद्धि, और सिद्धि की कैपिटल को क्रेडिट किया, नाम आ गया लक्ष्मी। सेम वे में अगर हम वर्किंग को देखें, तो विजय ने भी तो सैक्रिफाइस किया, तो विजय को भी गुडविल मिलनी चाहिए, कितना सैक्रिफाइस किया, 1:10, विजय ने भी 1:10 सैक्रिफाइस किया है, उस रूल के हिसाब से विजय को भी 6,000 मिलने चाहिए, तो विजय के अकाउंट में भी 6,000 रखा, बट विजय को ये पैसा देगा कि हम गेन किसको हुआ है, लक्ष्मी को हुआ है, तो अगेन वापस सामने वर्ड क्या आएगा, लक्ष्मी, और यहां विजय के अकाउंट में भी मुझे कितने पैसे दिखाने पड़ेंगे, 6,000। इन शॉर्ट गुडविल का हमने क्या किया, गुडविल में हमने देखा विजय को 6,000 मिले, सिद्धि को 12,000 मिले, टोटल 18,000,
और ये दोनों के दोनों पैसे दिए किसने, डेबिट किसको करना पड़ेगा, डेबिट दोनों के दोनों केस में लक्ष्मी को डेबिट करना पड़ेगा। दोनों के दोनों केस में जो डेबिट करना पड़ेगा वो किसको डेबिट करना पड़ेगा, लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी को गेन हुआ है। जो गेन हुआ है वो किसे हुआ है, लक्ष्मी को गेन हुआ है। तो देखो आप, लक्ष्मी के अकाउंट में मैंने दोनों को डेबिट किया है, 12,000 और 6,000। अब मेरे हिसाब से गुडविल की पॉइंट आपकी क्लियर हो गई होगी, गुडविल की पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब आ जाएंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000। सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है 40,000, यहां कितनी है 60, लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 20,000 रुपीज का लॉस हुआ। चलो अब ये मार्केट वैल्यू यहां पर 40,000 हो गई, बट अगर ये लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन में आना चाहिए। बट मैंने आपको कहा है अगर आपके पास रिजर्व पड़ी है, चेक कर लो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड में कितने पैसे पड़े हैं, 15,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड में कितने पैसे पड़े हैं, 15। लॉस कितने का हुआ है, 20, तो वो 15 तो उसमें एडजस्ट हो गए। एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ, 5,000 का, तो आपका डेबिट पे आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएंगे 5,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा 5,000 रुपीज। लॉस 20 का हुआ, बट सामने हमारे पास रिजर्व में पैसे पड़े थे, रिजर्व में जो पैसे पड़े थे वो क्या हुआ, 15,000 हमने एडजस्ट किया। एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ 5,000 का, वो हमने एडजस्ट कर दिया। अभी भी एडजस्टमेंट बाकी है। सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अब ये 40,000 की वैल्यू है, 40,000 की वैल्यू की जो इन्वेस्टमेंट है कौन लेके गया, सिद्धि लेके गए, तो इन्वेस्टमेंट तो चली गई, तो इन्वेस्टमेंट में डैश आ गया। और सिद्धि के कैपिटल के डेबिट में, सिद्धि के कैपिटल के डेबिट में 40,000 आ जाएगा। और वर्ड हम क्या दिखा देंगे, बाय इन्वेस्टमेंट, सॉरी बाय नहीं आएगा, इधर टू वर्ड आएगा। मैंने जो बाय लिखा है यहां पर आपका जो वर्ड आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डेबिट साइड जब भी हम लिखते हैं तो टू वर्ड्स लगाया जाता है, तो मैंने टू दिखा दिया और यहां पर हमने क्या किया, टू वर्ड्स यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे। गुडविल हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, 3,000 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर, डेटर में से 3,000 पहले रिटर्न ऑफ कर दो। अब ये 3,000 मैंने डेटर में से रिटर्न ऑफ किए, वर्ड क्या लिखना है, रिटर्न ऑफ करने के लिए कहे, दैट मींस बैड डेट्स लिख लो। 3,000 रुपीज हमने क्या किया है, डेटर में से रिटर्न ऑफ करने हैं, तो मैंने रिटर्न ऑफ कर दिए 3,000, माइनस कर दिए। अब ये 3,000 रुपीज का लॉस हुआ आपको, 3,000 का लॉस हुआ, यहां पर आपका कितना पड़ा है, 20,000 हो गया, 3,000 का लॉस है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम दिखा देंगे बैड डेब्ट्स, ये रिजर्व नहीं है, बैड डेब्ट्स है। तो ये 3,000 रुपीज ऑलरेडी हमारे पास बुक्स में रिजर्व पड़ी है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ दिया हुआ है, 5% बैड डेब्ट्स रिजर्व मेंटेन करनी है। अब 20,000 का 5% बैड डेब्ट्स रिजर्व मेंटेन करनी है, तो 20,000 का 5% आ जाएगा 1,000 रुपीज, माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में 19,000 आएंगे। बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, तो हमारे पास पहले कुछ रिजर्व पड़ी हुई थी। क्वेश्चन को आप देखो, आप जैसे क्वेश्चन में देखोगे तो हमारे पास 4,000 रिजर्व पड़ी हुई थी, कितनी रिजर्व पड़ी थी, 4,000, और यहां मैंने कितनी रिजर्व दिखाई है, 1,000। दैट मींस 3,000 का बेनिफिट है हमें, वो 3,000 का आपका जो बेनिफिट है मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखा देता हूं, बाय बैड डेब्ट्स रिजर्व, बाय बैड डेब्ट्स रिजर्व 3,000 मैंने क्रेडिट में दिखा दिया। कुल मिला के हुआ क्या, ये 3,000 बैड डेब्ट्स लॉस हुआ, उसको मैंने रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा दिया। फिर मुझे कहा 5% बीडीआर रखो 1,000, बट ऑलरेडी मेरे पास बैड डेब्ट्स रिजर्व में 4,000 पड़े थे, मैंने कितना रखा 1,000, तो 3 का तो और बेनिफिट हो गया, तो ये 3,000 मैंने यहां दिखा दिए क्रेडिट में। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन द बुक्स इज 1,000 मोर देन कॉस्ट, मतलब क्या कि बुक्स में स्टॉक 1,000 ज्यादा दिखाया गया है, बुक्स में स्टॉक को 1,000 ज्यादा दिखाया गया है। यहां पर जो स्टॉक है 35,
बट रियल में उसकी वैल्यू जो है वो 34 है, हमने उसको ज्यादा दिखा दिया है, तो ये 1000 मैंने माइनस कर दिया, वैल्यू कम हो गई। वैल्यू जैसे कम हो जाएगी ये हमारा लॉस हो जाएगा, तो यहां मैंने दिखा दिया स्टॉप, कितना दिखा दिया, कितना लॉस हुआ, 1000 रुपीज का लॉस हो गया, लॉस मैंने दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है क्लेम ऑफ 7000 एक्सेप्टेड फ्रॉम वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड। वर्कर्स कॉम्पनसेशन का एक क्लेम था जो हमने 7000 में एक्सेप्ट किया। क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर लो, वर्कर्स कॉम्पनसेशन में आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, 17000 लायबिलिटी में पड़ा है, जो मैंने कहा था टिक कर लो। उसमें से हमें वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड की जरूरत है, सही 17000 पड़ा है, हमें सिर्फ कितना रखना है, 7000 रखना है, एक्सेस है, कितना पैसा एक्सेस है, 10000 रुपीज एक्सेस है। और मैंने रूल बताया था अगर एक्सेस पैसा पड़ा है तो वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट के दे दो, मतलब तीनों पार्टनर को रेशियो में बांट के देना पड़ेगा। ये एक्सेस वाला अमाउंट है जिसे मैंने टिक करवा के रखा था वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड, और इनका रेशियो 5:3:2, एक्सेस अमाउंट है 10000, मतलब यहां आएगा 5000, 3000 और 2000। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, 12000 इज टू बी पेड सिद्धि इमीडिएटली। लास्ट एडजस्टमेंट, सिद्धि को हमने उसी टाइम 12000 दे दिए, नो डाउट सिद्धि का और भी पैसा होगा, टोटल होगा। लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था ये सेंटेंस नहीं थी, तो जितना भी सिद्धि मतलब रिटायरिंग पार्टनर का पैसा होता है वो लोन में चला जाता है, बट हमें कहा है कि हमने उसी टाइम 12000 पे कर दिया, चलो कर दो 12000 हम सिद्धि को दे रहे हैं, तो ये 12000 मैंने दिखा दिया। वर्ड सामने क्या आ जाएगा, टू कैश, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, और हमारे पास जो कैश है वो चली जाएगी, तो यहां पर किसको दे रहे हैं, सिद्धि को दे रहे हैं, तो यहां मैंने दिखा दिया सिद्धि 12000। सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, अब हम क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 9000, नाइन में से 3 अगर माइनस किया तो 6000, एक तरह का ये लॉस हुआ जो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और सभी पार्टनर को कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा, विजय लक्ष्मी और सिद्धि तीनों को, तो ओल्ड रेशियो में अगर हम इनको डेबिट करें, क्योंकि यहां पर है तो डेबिट करना पड़ेगा, इनका लॉस आ रहा है 3000, 1800 और 1200, 3000, 1800 और 1200, ये किस चीज का है, ये रीवैल्यूएशन का है, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमने दिखा दिया। अब सिद्धि को 12000 की पेमेंट भी हो गई, पहला पहला अकाउंट क्लोज करते हैं सिद्धि का, पहला अकाउंट क्लोज करते हैं सिद्धि का, तो सिद्धि का देखो अकाउंट में टोटल कितना आ रहा है, 71, 2 और 12, सिद्धि का टोटल आ रहा है 85000, उसमें से पेमेंट कितनी हो गई है, 40 की इन्वेस्टमेंट, 12000 कैश और 1200 का लॉस, डिफरेंस आएगा 31800 सिद्धि के अकाउंट में, और 31800 अभी हम ये पे नहीं कर रहे हैं, तो ये सिद्धि के पैसे हमारे पास ही पड़े रहेंगे, मे भी 2 महीने, मे भी 4 महीने, 6 महीने, तो 31800 जो आप देख रहे हो, जो मैंने सिद्धि के अकाउंट में दिखाया है, 31800 जो आप देख रहे हो, जो मैंने सिद्धि के अकाउंट में दिखाए हुए है, उसके सामने वर्ड लिखूंगा टू लोन, और ये लोन हमारी लायबिलिटी है जब तक हम पे कर देते हैं, तो यहां पर आएगा सिद्धीस लोन 31800, ये लोन हो गया जो सिद्धि के अकाउंट में हमने दिखा दिया। अब बाकी के 2 पार्टनर को क्लोज करेंगे एज इट इज, जैसे हम करते हैं। इसका टोटल पहले विजय का देखें जो 96000 आ रहा है, और सेकंड पार्टनर का टोटल आ रहा है 67000, डिफरेंस निकालेंगे, उसे लिखा जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जैसे एडमिशन चैप्टर में करते थे। तो फर्स्ट पार्टनर का बैलेंस आ रहा है 93000,
सेकंड पार्टनर का 47,200 और ये जो बैलेंस है हम बैलेंस शीट में यहां पर लेके आएंगे कैपिटल। अब हमारे पास दो पार्टनर हो गए विजय और लक्ष्मी, क्योंकि सिद्धि तो रिटायर हो गई। विजय की कैपिटल आपकी आ गई 93,000 की, लक्ष्मी की जो कैपिटल हमने निकाली 47,200 की। कैश अकाउंट क्लोज कर लो, 36 का टोटल यहां है, 12 माइनस किया तो डिफरेंस आएगा 24,000 का, और वो कैश आपका यहां पर आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर 24,000 का। अब दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल करो, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये मैंने एग्जांपल नंबर 3 आपको करवा लिया, उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 दी गई है, अच्छी तरह से आज आप कंप्लीट करना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।